आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर दो प्लाजो पेंट डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्लाजो का पहला डिज़ाइन, जिसको बनाने के लिए मैंने बुकरम ली है। बुकरम की लेंथ मैंने 8.5 इंचेस रखी है और चौड़ाई प्लाजो की मोहरी की चौड़ाई के हिसाब से रखी है 14 इंचेस। उसमें मैंने प्लस 2 किया है। बुकरम को बीचों बीच इस तरीके से मोड़ेंगे। ऊपर की तरफ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 1.5 इंचेस का निशान लगाएंगे बंद वाली साइड से और ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। बाहर से भी इस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। पहले हम बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा बुकरम काटेंगे, उसके बाद अंदर से भी एक्स्ट्रा बुकरम को काटेंगे। ये हमारा डिज़ाइन कट गया है। उसके बाद कपड़ा लेंगे, कपड़े के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन को रखेंगे और इस पर प्रेस करके इसे कपड़े के साथ चिपका लेंगे। मैंने इसे कपड़े के साथ चिपका लिया है। अब बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसे प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से कपड़े को मोड़ लेंगे। दोनों तरफ से हमने कपड़ा मोड़ लिया है। अब डिज़ाइन को इस तरह से मोड़ेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे। प्लाजो को हमने पूरा तैयार कर लिया है। ये हमारा जो बॉटम है उस पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे लेंथ वाली साइड से और एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे। ये हमारा साइड वाली सिलाई है हमारी। ये हमारा सेंटर होगा, जो प्लाजो में साइड में सिलाई आएगी उसे ही हम सेंटर में रखेंगे। कट के बीचों बीच निशान को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल बुकरम के पास सिलाई लगाएंगे। डिज़ाइन को राइट साइड रखते हुए स्टिच करना है फैब्रिक की। इस तरह से हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे, ऊपर तक हमें इसे काटना है। ध्यान से काटेंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब बुकरम को रॉन्ग साइड टर्न करना है। बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से मोड़ते हुए बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे।
उसके बाद मैंने ये पाइपिंग ली है, ये रेडीमेड पाइपिंग है। आजकल मार्केट में आप हर कलर में रेडीमेड पाइपिंग ले सकते हैं। पाइपिंग को हम इस तरह से लगाएंगे। पाइपिंग को काटेंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से पाइपिंग निकाल लेंगे। अब मैंने डोरी ली है, डोरी में हम ये मोती डालेंगे। निडल की हेल्प से हम इन मोतियों को डोरी में डाल देंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड जो ये हमारी पाइपिंग है, इसको हम अच्छे से हैंड स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे दोनों साइड एक एक इंच के निशान लगाएंगे। इन निशानों पे हम डोरियाँ लगाएंगे। आप चाहे तो डोरियों को थोड़ा पास और दूर भी लगा सकते हैं। इस तरह से निशानों पे डोरियों को रखते हुए स्टिच करेंगे। मैंने डोरियों में एक एक मोती डाला है, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब दूसरी तरफ भी डोरियों को स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमारी सिलाई अच्छे से नहीं चलेगी, तो हम इस वाली डोरी को निडल से स्टिच करेंगे। इस तरह से निडल से अच्छे से हम इसे स्टिच कर लेंगे और बाकी डोरियों को हम सिलाई लगा के अच्छे से स्टिच करेंगे। इस वाली डोरी में मैंने एक मोती का गैप रखा है। इस वाली डोरी में दो मोतियों का गैप रखेंगे। मोती को सेंटर में करेंगे और आप चाहे तो एक्स्ट्रा डोरियाँ भी लगा सकते हैं और इन डोरियों को इस तरह से राउंड शेप देंगे। हमारा पहला प्लाजो डिज़ाइन बनके एकदम तैयार है। रोंग वाली साइड से मैंने पाइपिंग को भी हैंड स्टिच अच्छे से कर लिया है। अब हम बनाते हैं प्लाजो का दूसरा डिज़ाइन। दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए प्लाजो की लेंथ का निशान लगा लिया है। अब अच्छे से बॉटम को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। उसके बाद मैंने ये चेन ली है, आपको मार्केट में ये इजीली मिल जाएगी।
इसको हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि साइड वाली जो हमारी ये सिलाई है प्लाजो की उसको सेंटर में रखेंगे। चेन की नीचे से चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 3.5 इंचेस है। साइड वाली सिलाई को सेंटर में रखना है। अब यहाँ पे चेन को दोनों निशानों पे अच्छे से मिलाएंगे और ये हमारी चेन की लेंथ होगी। चेन की लेंथ 6.5 इंचेस है। दोनों तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम आधा इंच का गैप रखेंगे। यहाँ भी सीधी लाइन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब मैंने एक कपड़ा लिया है, कपड़े को हम इसकी राइट साइड रखेंगे और आगे से हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के रखेंगे। रॉन्ग साइड सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा काटेंगे। अब पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैंने मोटा टका करके सिलाई लगाई है, बाद में इसे हैंड स्टिच करेंगे। अब चेन लेंगे, चेन को इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। आगे आधा इंच हमारी एक्स्ट्रा चेन निकली हुई है। अब चेन को राइट साइड वाली राइट साइड से स्टिच करेंगे। यहाँ से चेन को बंद करके अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से चेन को अच्छे से स्टिच करेंगे। हमारी चेन लग गई है। अब एक और कपड़ा लेंगे, उसे इस तरह से मोड़ेंगे। अब चेन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इसका सेंटर करेंगे, आगे आधा इंच का निशान लगाएंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेंगे। उसके बाद चेन की लेंथ का निशान लगाएंगे जो कि 6.5 इंचेस है और सेंटर में इस तरह से सेंटर करेंगे। यहाँ से आधा इंच का गैप रखेंगे और दोनों तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। रॉन्ग साइड वाली रॉन्ग साइड से आगे से जो हमने एक्स्ट्रा आधा इंच लिया था उसे स्टिच करेंगे। अब इसे सीधा करेंगे। अब एक एक इंच का निशान लगाएंगे।
अब मैंने दूसरे कलर का थ्रेड लिया है, उससे हम तिरछी सिलाइयाँ लगाएंगे और डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इनके बीच में हम एक और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद क्रॉस में हम इस तरह से सिलाइयाँ और लगाएंगे। हमारा डिज़ाइन बन गया है। साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे और इस तरह से आगे से चेन को मोड़ेंगे। पहले इसे हम नीडल से अच्छे से स्टिच कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी इसे स्टिच करना है और यहाँ साइड में हमने जो तिरछी लाइन लगाई हुई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हम चेन को रखते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ से उसी तरह से चेन को बंद करके अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। हमारा दूसरा प्लाजो पैंट डिज़ाइन बनके एकदम तैयार है। हमारे दोनों प्लाजो पैंट डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।